गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट टू द येलो बटरफ्लाई जहाँ तक आपने किया है उससे आगे हम आज सीखेंगे। यहाँ पे पहले मैं पैराग्राफ रीड कर रही हूँ। फ्रॉम द रोज टू द लोटस अप टू द चंपक ट्री बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई। सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल, ही लुक्ड एवरीवेयर। वंस अगेन ही सो द बटरफ्लाई। देयर वॉज अ बिग वेब, अ स्पाइडर्स वेब इन द गुआवा ट्री। द बटरफ्लाई वॉज कॉच इन द स्पाइडर्स वेब। इस पैराग्राफ में आपने देखा कि सोनू नाम का जो लड़का है वो बटरफ्लाई के पीछे भाग रहा है फ्रॉम द, और वो बटरफ्लाई दूर दूर तक उड़ रहा है। तो अब ये बटरफ्लाई कहाँ से कहाँ जा रहा है वो इसमें लिखा हुआ है। फर्स्ट वो फ्रॉम द रोज गुलाब से आगे लोटस पे और फिर चंपक ट्री पे गया, लेकिन ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई। लेकिन ये जो सोनू था वो उसने बटरफ्लाई को पकड़ नहीं पाया। सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल। सोनू ने यहाँ वहाँ देखा लेकिन उसको वो कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया। ही लुक्ड एवरीवेयर, उसने सारी जगह देखा। वंस अगेन ही सो द बटरफ्लाई, और एक बार फिर उसने बटरफ्लाई को देखा। There was a big web, a spider's web in the guava tree. Guava tree मतलब वो जो अमरुद का पेड़ होता है वो, वहाँ पे उसने क्या देखा, एक बहुत बड़ा मकड़ी का जाला था। The butterfly was caught in the spider's web, और वो जो butterfly था वो मकड़ी के जाले में फंस गया था, वो मकड़ी के जाले में पकड़ा गया था। अब इसके हम आगे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। व्हाट वाज देयर इन द गुआवा ट्री, वो जो अमरूद का पेड़ था उसमें क्या था, तो वहाँ पे क्या था, देयर वाज अ बिग वेब, अ स्पाइडर्स वेब इन गुआवा ट्री। तो यहाँ पे हम करेंगे, ये देखिए इसका आंसर ये रहा, देयर वाज अ बिग वेब, स्पाइडर्स वेब इन गुआवा ट्री। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। फिर है सेकंड, वेयर वॉज द बटरफ्लाई कॉच, बटरफ्लाई कहाँ पे पकड़ा गया था। द बटरफ्लाई कॉच इन द स्पाइडर्स वेब, ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। द बटरफ्लाई वॉज कॉच इन द स्पाइडर्स वेब। फिर है नेम द प्लेसिस वेयर द बटरफ्लाई फ्लू, हमें क्या करना है, ये बटरफ्लाई कहाँ कहाँ उड़ रहा था उसके नेम लिखने हैं। तो वहाँ पे एक आएगा द रोज, द लोटस एंड द चंपक ट्री, द प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई फ्लू, ये रहा द रोज, ये रहा द रोज, द लोटस एंड द चंपक ट्री, ये रहा द लोटस, द रोज, द चंपक ट्री, द प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई फ्लू, ये तीन आंसर इसमें आएंगे। फिर है फिलिंग द ब्लैंक्स, देयर वॉज ब्लैंक इन द गुआवा ट्री। आपको पता है कि वो जो अमरूद का पेड़ था वहाँ पे क्या था, तो इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा अ स्पाइडर्स वेब, क्या था वहाँ पे, अ स्पाइडर्स वेब। फिर आएगा राइट द करेक्ट ऑप्शन इन द बॉक्स गिवन, द स्पाइडर्स वेब वॉज इन द, क्या आएगा इसका आंसर डी, क्या आएगा ये डी। फिर द बटरफ्लाई वॉज कॉच इन द स्पाइडर्स वेब, सेकंड में ये आंसर आएगा। फिर अब हम करेंगे उसका नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे। इट वॉज ईगर टू एस्केप, इट फ्लटर्ड इट्स विंग्स, इट ट्विस्टेड एंड टर्न्ड बट इट कुड नॉट एस्केप, द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट, पुअर बटरफ्लाई। In the middle of the web was a big spider. It looked hungry. It wanted to catch the butterfly. फिर आगे क्या हुआ, वहाँ पे वो जो butterfly था वो वहाँ मकड़ी के जाले में फंस गया था। तो it was eager to escape. तो वो जो butterfly था वो अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था। eager to मतलब ऐसे अपनी जो जी जान लगा के कोशिश करना, इस टाइप का। it was eager to escape.
फिर इट फ्लटर्ड इट्स विंग्स, और वो अपने जो विंग्स थे उसको छटपटा रहा था। इट ट्विस्टेड एंड टर्न्ड, और वो जो थे वो टर्न और ऊपर नीचे हो रहा था। बट इट कुड नॉट एस्केप, और वो बटरफ्लाई छूट नहीं पा रहा था। द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट, और जो स्पाइडर का वो मकड़ी का जाला था उसने उसको टाइट पकड़ा हुआ था। पुअर बटरफ्लाई, बेचारा बटरफ्लाई। इन द मिडल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर, और उसके मिडल में क्या था, वहाँ पे एक बड़ा सा स्पाइडर था। इट लुक्ड हंग्री, और वो क्या था, इट लुक्ड हंग्री, और वो भूखा हुआ था। इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई, और वो बटरफ्लाई को पकड़ना चाहता था। हाँ, और वो बटरफ्लाई को पकड़ना चाहता। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर। वॉट वॉज देयर इन द मिडल ऑफ द वेब, जो वो मकड़ी का जाला था उसके बीच में क्या था, तो वहाँ पे था एक बड़ा सा स्पाइडर। इन द मिडल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर। फिर वॉट डिड द बटरफ्लाई टू डू टू स्केप, अपने आप को छुड़ाने के लिए बटरफ्लाई क्या कर रहा था, तो इट वॉज, यहाँ से स्टार्ट होगा कि द बटरफ्लाई वॉज ईगर टू स्केप, इट फ्लटर्ड इट्स विंग्स, इट ट्विस्टेड एंड टर्न्ड। ये आंसर सेकंड में आएगा। फिर है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स है, उसमें द बटरफ्लाई वॉज क्या आएगा, इसमें ब्लैंक टू स्केप, तो यहाँ पे आएगा यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा ईगर। द स्पाइडर लुक्ड हंग्री, सेकंड वाली जो है उसमें आएगा हंग्री। फिर है द बटरफ्लाई ब्लैंक्स इट्स विंग्स, जो बटरफ्लाई था वो अपनी विंग्स को क्या कर रहा था, तो यहाँ पे आएगा आंसर बी। फिर है सेकंड, ब्लैंक वांटेड टू कैच द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई को कौन पकड़ना चाहता था, तो इसमें आएगा स्पाइडर, वो उसको भूख लगी थी तो उसको पकड़ना चाहता था। फिर है क्लोजर एंड क्लोजर क्राउल द ब्लैक स्पाइडर, बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट सॉ नो रन एंड ही कॉज द बटरफ्लाई, इट वॉज सो प्रिटी, इट हैड ब्राउन स्पॉट्स इन इट्स येलो विंग्स। फिर वो जो स्पाइडर भूखा था और वो क्या करना था, वो अपने जाले में ऐसे रेंगता हुआ वो बटरफ्लाई के नज़दीक, क्लोजर एंड क्लोजर उसके नज़दीक जा रहा था। बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, मतलब वो जो हंग्री स्पाइडर था जिसको भूख लगी थी और वो उसको पकड़ता, इससे पहले सोनू रैन और सोनू दौड़ा, एंड ही कॉज द बटरफ्लाई, एंड सोनू ने बटरफ्लाई को पकड़ लिया। इट वॉज सो प्रिटी, और वो बटरफ्लाई कैसा था, इट वॉज सो प्रिटी, वो एकदम ही बहुत ही सुंदर था। इट हैड ब्राउन स्पॉट्स ऑन इट्स येल्लो विंग्स, और उसकी विंग्स कैसे थी, वो जो पंख थे उसके वो येल्लो कलर के थे और उसके ऊपर ब्राउन कलर के स्पॉट्स थे, मतलब ऐसे डॉट थे छोटे छोटे। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, फ्रॉम वेयर डिड सोनू कैच द बटरफ्लाई, फ्रॉम वेयर डिड सोनू कैच द बटरफ्लाई, सोनू ने बटरफ्लाई को कहाँ से पकड़ा, तो सोनू ने बटरफ्लाई को कहाँ से पकड़ा, एट स्पाइडर्स वेब, इसमें आंसर क्या आएगा, स्पाइडर्स वेब, जो फर्स्ट वाला है उसमें आंसर आएगा स्पाइडर्स वेब, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्पाइडर्स वेब, ये आएगा फर्स्ट में आंसर। फ्रॉम वेयर डिड सोनू कैच द बटरफ्लाई, तो इसमें आप लिखेंगे सोनू कैच द बटरफ्लाई एट स्पाइडर्स वेब, ये आएगा फर्स्ट में आंसर। फिर सेकंड,
हु कॉज द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई को किसने पकड़ा? तो सोनू कैच द बटरफ्लाई, सेकंड वाले में आंसर आएगा सोनू, आंसर में आएगा सोनू कैच द बटरफ्लाई। फिर है डिस्क्राइब द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई कैसा था? तो उसमें आएगा कि द बटरफ्लाई वॉज सो प्रिटी, यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, इसमें आपको इट नहीं लिखना है, यहाँ से होगा द बटरफ्लाई से स्टार्ट होगा, द बटरफ्लाई ऐसे करके, फिर यहाँ से बट द बटरफ्लाई वॉज सो प्रिटी इट हैड ब्राउन स्पॉट इन इट्स येल्लो विंग्स, ये आएगा। फिर है फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स में है द स्पाइडर वॉज ब्लैंक इन द कलर, स्पाइडर कैसे कलर का था? तो स्पाइडर था कैसे कलर का था? ब्लैक, इसमें आएगा ब्लैक। फिर सेकंड है द स्पाइडर ब्लैंक क्लोजर एंड क्लोजर, और वो कैसे आ रहा था? वो क्राउल करके आ रहा था, ऐसे रेंगता हुआ आ रहा था, क्राउल, ये आएगा सेकंड का आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स है जो सेकंड वाली उसका। फिर है राइट द करेक्ट ऑप्शन इन द बॉक्स गिवन बिलो, द ब्लैंक वॉज कॉज द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई को किसने पकड़ लिया? तो इसमें आएगा सोनू। फिर द बटरफ्लाई हैड ब्लैंक ऑन इट्स येल्लो विंग्स, उसकी जो येल्लो कलर के विंग्स से पंख थे उसके ऊपर कौन से कलर के स्पॉट्स थे? तो ब्राउन कलर के, ये रहा आपका सेकंड फिलिंग द ब्लैंक का आंसर। तो आज आपका ये होमवर्क है, इसमें पेज नंबर आप 19 और 20, 20 में ये जो 6 नंबर का पैराग्राफ है वो आप अपनी वर्कबुक में फिनिश करेंगे। थैंक यू।